हे एवरीवन, दिस इज स्वाति चावला, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एज यू नो, हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसका नाम है PYQs। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमने टॉपिक पिक किया था, दैट वाज आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ ऑफ बाइनरी फाइल्स। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज हम सॉल्व करेंगे, दिस इज़ फ्रॉम द CBSE कम्पार्टमेंट एग्जाम 2021। देखो, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के जो बाइनरी फाइल के क्वेश्चंस थे या CSV फाइल के क्वेश्चंस थे, वो आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते थे, राइट। तो एज सच कोई सिलेबस में तो देखो मेंशन नहीं है कि वो फिलअप के फॉर्म में आएंगे या फिर कंप्लीट प्रोग्रामिंग बेस्ड होंगे। बट अगर हम CBSE इशूड सैम्पल पेपर की बात करें तो वहाँ पर आपको इस बार चाहे बाइनरी फाइल हो चाहे CSV फाइल हो, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोग्रामिंग बेस्ड गिवन है, वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप नहीं गिवन, राइट। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि आपके इस बार भी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे मोस्ट प्रोबेबली वो प्रोग्रामिंग बेस्ड ही होंगे, राइट। और हाँ, अगर आप फिलअप की प्रैक्टिस कर लेते तो प्रोग्रामिंग बेस्ड आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा करना। वहीं अगर आप प्रैक्टिस ही प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस की करोगे तो फिलअप्स करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। तो हम इसको प्रोग्रामिंग बेस्ड ही करेंगे और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हम लोग इसको करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज़ अ बाइनरी फाइल plants.dat हैज़ द स्ट्रक्चर ID, नेम एंड प्राइस। ये आपको स्ट्रक्चर गिवन है। अब अगर मैं इसकी आपके डेटा टाइप पूछूँ तो किस टाइप का है, देखो सर्कुलर वाली ब्रैकेट्स गिवन है, तो दैट मीन्स दिस इज़ फ्रॉम द ट्यूपल या टप्पल, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। Write the definition of a function, write RSA in Python to input data for records from the user and write them to the file plants.dat. Means आपको यूजर से इनपुट क्या क्या लेना है, ID, नेम एंड प्राइस, और उसके बाद आपको उसको plants.dat वाली फाइल में अपने रिकॉर्ड को राइट कर देना। नेक्स्ट है, write the definition of a function, show high name से फंक्शन बनाना है which reads the records of plants.dat एंड डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स जिसका जो प्राइस है वो मोर देन क्या हो, 500 हो, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले ओपन कर लिया हमारा पाइचाम, ठीक है। यहाँ पर हम अपना फाइल को क्रिएट करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू इम्पोर्ट द पिकल मॉड्यूल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट पिकल। उसके बाद मुझे फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन का नेम कैपिटल में दे रखा है, राइट REC एज इट इज़ हमने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर लिया। उसके बाद मुझे अपनी बाइनरी फाइल को ओपन करना है। बाइनरी फाइल का नेम है plants.dat और रिकॉर्ड को राइट करना है, तो मैंने इसको WB मोड में ओपन किया। अब देखो, ना तो मैं यहाँ पर देखो, या तो आपके माइंड में आएगा कि क्वेश्चन हो सकता है आपने सारा कुछ फॉर्म में कर रखा, और बट यहाँ पर जो ब्रैकेट्स मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ये आपको ट्यूपल के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो पहले हम लिस्ट की फॉर्म में करके दिखाते हैं, फिर आपको हम टप्पल की फॉर्म में भी करके दिखाएंगे। कोई हार्ड ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, एक हम व्हाइल लूप लगा लेते हैं। फिर मैंने लिखा ट्रू, मीन्स जब तक ये कंडीशन ट्रू है मेरा लूप चलता चला जाएगा। क्या क्या मुझे यूज़र से लेना है, एक प्लांट ID, आप चाहो तो एज इट इज़ लिख दो, ID, कोमा नेम कोमा प्राइस, ID, अरे ID, इसको हमने इंटीजर लिख लिया, यहाँ पर हमने लिख दिया ID, एंटर करो, ठीक है। फिर हमने लिखा नेम, इसको हमने स्ट्रिंग टाइप का लिखा, और लास्ट हमने लिखा प्राइस। इसको आप फ्लोट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीन चीज एंटर करा दी। अब मैंने एक रिकॉर्ड नेम से वेरिएबल लिया और इसकी लिस्ट बना दी, किसकी इसकी, ID, कॉमा नेम कॉमा प्राइस, राइट। अब इसको रिकॉर्ड को मुझे क्या करना है, अपनी बाइनरी फाइल में राइट कराना है। तो बाइनरी फाइल में राइट कराने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, डम्प फंक्शन। डम्प फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, कौन कौन से, एक तो जो रिकॉर्ड आप राइट करा रहे हो किस वेरिएबल में है, वो रिकॉर्ड वेरिएबल में, कोमा किस फाइल में राइट कराना है, उस फाइल का नेम क्या है, फाइल हैंडल F, हो गया राइट।
अब मैं यूज़र से पूछूंगी कि डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स या फिर नहीं। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ मोर, और फिर मैंने लिख दिया वाई या फिर एन, येस और नो। तो अगर वो एन प्रेस कर देता है, कैपिटल एन या स्मॉल एन, राइट, सो मैंने वहाँ से क्या कर दिया, ब्रेक, लूप से बाहर। लूप से बाहर आते ही मैंने अपनी फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने अपने एक रीड फंक्शन बनाया, राइट। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, वही अगेन अपनी बाइनरी फाइल को ओपन करोगे। बाइनरी फाइल का नेम है plants.dat। अब हम उसको ओपन करेंगे आरबी मोड में, दैट इज़ रीड बाइनरी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपना ट्राई एक्सेप्ट लगाओ कि एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। डिक्शनरी के केस में नहीं होगी, और इसमें डिक्शनरी के केस प्लस नेस्टेड लिस्ट के केस में नहीं होगी सच, ठीक है। लिस्ट के केस में सिंपल अगर मैं करा रही हूँ तो होगी एक्सेप्शन जनरेट। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे फाइल की एक टाइम पर एक एक रिकॉर्ड वो रीड करे। एक वेरिएबल या डेटा रीड करने के लिए हमारे पास है पिकल डॉट लोड फंक्शन। जिस फाइल में से रीड करें उस फाइल हैंडल का नेम, और यहाँ पर मैंने प्रिंट क्या करा दिया, डेटा वेरिएबल, राइट। यहाँ पर जब आपकी एक्सेप्शन जनरेट होगी, या तो आप यहाँ पर लिख दो फाइल नॉट फाउंड एरर, ईओएफ एरर, जो एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है आपको लगता है। वेरेज अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन का नेम नहीं लिखूंगी तो इट विल हैंडल ऑल द एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर हमने अपनी फाइल को क्या कर दिया, क्लोज। अभी क्वेश्चन नहीं करा हमने, अभी तो मैं सिर्फ आपको लिख करके दिखा रही हूँ कि मेरा रिकॉर्ड जो मैं राइट कर रही हूँ, जो रीड कर रही हूँ, सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लांट आईडी दे दी 101, प्लांट का नेम दे दिया सपोज P1, प्राइस हो गया इसका 230। मोर रिकॉर्ड, यस, आईडी 102, प्लांट नेम P2, और प्राइस हो गया इसका 600। मोर रिकॉर्ड, यस, आईडी हो गई P3, और सॉरी आईडी में तो इंटीजर है ना, इसको दोबारा एग्जीक्यूट, आईडी 101, नेम हो गया P1, प्राइस हो गया लेट सपोज 230। मोर रिकॉर्ड्स, यस, आईडी 102, नेम P2, और प्राइस हमने लिखा चलो 550। मोर रिकॉर्ड, यस, प्लांट आईडी 103, नेम हो गया P3, और इसका प्राइस हो गया यहाँ पर 100। मोर रिकॉर्ड, यस, आईडी 104, नेम हो गया P4, एंड प्राइस इसका हो गया 700, ठीक है। ये फोर रिकॉर्ड्स हमने एंटर करे, मोर रिकॉर्ड्स, नो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा, हमने जो डेटा रीड आउट करा था वो उसने रीड आउट करके दे दिया सही से, ठीक है। तो दैट मीन्स ये राइट और रीड तो सही से कर रहा है, इसको हमने कर दिया कमेंट। अब हम दोबारा रिकॉर्ड्स को रीड आउट नहीं करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, राइट REC वाला जो फर्स्ट पार्ट है आप लोगों का, फर्स्ट फंक्शन जो डिफाइन करना है वो हो गया। नेक्स्ट मुझे कहते हैं राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन शो हाई। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, शो हाई नेम से फंक्शन बनाना है विच रीड्स द रिकॉर्ड्स ऑफ प्लांट्स डॉट डीएटी एंड डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स फॉर विच द प्राइस इज मोर देन 500। वो क्या कर रहा है, जिसका प्राइस 500 से ज़्यादा है वो रिकॉर्ड्स मुझे क्या करने हैं, डिस्प्ले कराने, राइट। तो अगर आप परमिशन दें तो क्या मैं इसी में चेंज कर दूँ, ठीक है। फंक्शन का नेम क्या है, शो हाई, और यहाँ पर हम शो हाई फंक्शन अपना डिफाइन कर दें, राइट। अब ये डेटा को रीड आउट तो कर ही रहा है। अब मैंने क्या किया, प्राइस देखना है ना, तो जब मैं देखो डेटा को रीड कर रही थी तो मेरे पास लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, और प्राइस देखना, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये लिस्ट मैंने एंटर की है, प्राइस किस इंडेक्स पर है, मेरे पास सेकंड इंडेक्स पर, बिकॉज आईडी इज एट इंडेक्स 0, नेम आपका 1 इंडेक्स पे, प्राइस आपका सेकंड इंडेक्स पर है। तो यहाँ हम लिख देंगे इफ जो हमारे पास डेटा लिस्ट आई है सेकंड इंडेक्स पर क्या है, ग्रेटर देन 500, तो मुझे उसका रिकॉर्ड क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है, सिर्फ इतना सा काम करना है, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करो, तो नाउ यू कैन सी जिसका जो प्राइस था वो 500 से ज़्यादा था वो रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले हो करके आ गए। वहीं अगर हम आपके क्वेश्चन की बात करें देखो, तो क्वेश्चन में मुझे ये ट्यूपल वाले ब्रैकेट्स गिवन है, ठीक है। तो देखो टप्पल और लिस्ट में मेन डिफरेंस क्या है, टप्पल आपकी
इम्यूटेबल है, दैट मीन्स मैं उसमें ओरिजिनल में चेंजेस नहीं कर सकती, जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, ठीक है। बट क्या मैं यहाँ टप्पल के अंदर कोई चेंज कर रही हूँ? अगर मैं इसको यहाँ पर टप्पल ले लूँ, सिर्फ यही तो चेंज है ना, डंप करा दिया मैंने लिस्ट की बजाय, क्या डंप करा दिया टप्पल। और जब मैं रीड कर रही हूँ इंडेक्सिंग तो उसमें भी होती है, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखो ये वाली ब्रैकेट मत कहना कि लिस्ट की, तो इंडेक्सिंग के लिए ब्रैकेट है, राइट। चलिए इसको मैंने एग्जीक्यूट करा, आईडी मैंने एंटर करी 101, प्लांट नेम P1 और प्राइस आपका हो गया लेट सपोज 230। मोर रिकॉर्ड्स यस, आईडी 102, नेम P2, प्राइस हो गया 900, मोर रिकॉर्ड नो, ठीक है। अब एक रिकॉर्ड है मेरे पास जिसका प्राइस 500 से ग्रेटर था। अब देखो मेरे पास आंसर भी किस फॉर्म में आ गया, ट्यूपल के फॉर्म में, तो दैट मीन्स हाँ हम कर सकते हैं, कोई एरर आपका जनरेट नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें जो जिस ईयर का हम लोगों ने सॉल्व किया एग्जाम, सॉरी क्वेश्चन 2021 का, यूसी की मार्किंग स्कीम है जो हमने सॉल्व किया ना 2021 कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन, उसी पेपर की मार्किंग स्कीम है ये जो CBSE ने रिलीज़ की थी। तो अगर हम इसके क्वेश्चन को देखें तो देखो इन्होंने क्या किया, हाँ यही वाला क्वेश्चन है, प्लांट स्टोर DAT, यहाँ पर इनकी ट्यूपल वाली ब्रैकेट है, टप्पल क्या तो कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके क्वेश्चन की तो ये लिस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्यूपल के अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, बिकॉज आपको क्या पता है मार्किंग स्कीम में आंसर किस बेस पर आने वाला है, राइट। इन्होंने लिस्ट लेकर के किया, बट मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया, गलत आपका ट्यूपल वाला भी नहीं होगा, वो एरर नहीं जनरेट करेगा एक तरीके से, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखो दिया हुआ बाइनरी फाइल प्लांट्स डॉट DAT हैज अ स्ट्रक्चर दिस, और ये स्ट्रक्चर आपको किसके फॉर्म में दे दिया इन्होंने, लिस्ट के ट्यूपल के फॉर्म में, राइट। चलिए तो यहाँ पर ये हमारा जो आज का क्वेश्चन है फॉर एग्जाम 2021 ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी ईयर का, ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट दैट लाइक बटन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट हमें ऑलवेज चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।